हो गए। बहुत लंबी सूची है। बैठिए बैठिए, बोलने दिए। देश में प्रथम बार 2750 किलोमीटर अरे बहुत मिल रहा है से अधिक की लंबाई, ये तो सुनिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश में प्रथम बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज की निर्माण चरणबद्ध रूप से किए जाने की इस वर्ष 30 करोड़ रुपए की लागत से डीपीआर बनाई जानी प्रस्तावित है। एक्सप्रेसवेज है जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर 350 किलोमीटर, कोटपुतली किशनगढ़ 181 किलोमीटर, जयपुर भीलवाड़ा 193 किलोमीटर, बीकानेर कोटपुतली 295 किलोमीटर, ब्यावर भरतपुर 342 किलोमीटर, झालोर झालावाड़ 402 किलोमीटर, अजमेर बांसवाड़ा 358 किलोमीटर, जयपुर फालोदी 345 किलोमीटर एवं श्री गंगानगर कोटपुतली 290 किलोमीटर। बिपरजॉय तूफान, अतिवृष्टि एवं समय पर रखरखाव की कमी के कारण क्षतिग्रस्त 1343 सड़कों एवं पुलियों की मरम्मत व जीर्णोद्धार करने के लिए 2 वर्षों में 644 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं। उपखंड पंचायत समिति व तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से 2 लेन चौड़ी सड़क से जोड़ने का कार्य चरणबद्ध रूप से करवाया जाएगा। इस पर लगभग 306 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही मैं शहरी क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की मरम्मत एवं उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा करती हूँ। क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाएं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था, द कंट्री विल नॉट बी ए गुड प्लेस फॉर एनी ऑफ अस टू लिव इन unless we make it a reasonably good place for all of us to live in। अर्थात हमारे रहने के लिए देश तब तक एक अच्छा स्थान नहीं होता जब तक कि हम इसे सबके रहने के लिए यथोचित अच्छा स्थान नहीं बनाते। हमारा देश प्राचीन काल से ही सिविक प्लानिंग के लिए जाना जाता है। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता व हड़प्पा मोहनजोदारो की प्लानिंग का उदाहरण लें या फिर विद्याधर भट्टाचार्य मिर्जा इस्माइल द्वारा जयपुर की प्लानिंग का, हम इनसे प्रेरणा लेकर शहरी ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास के लिए कटिबद्ध हैं। शहरों के साथ ही पेरी अर्बन क्षेत्रों के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 2024 लाया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान जैसे वृहत एवं विविधता से परिपूर्ण प्रदेश में प्रत्येक जिले की पृथक समस्याएं व आवश्यकताएं हैं। इनके प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। योजना अंतर्गत जन सहभागिता के कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे तथा क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर विशेषज्ञों की मिशन टीम गठित की जाएगी। प्रदेश में जिला स्तर के एवं अन्य चयनित शहरी निकायों में वाईफाई इनेबल्ड लाइब्रेरी एंड कोवर्किंग स्टेशंस की स्थापना लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश के नगर निकायों को स्वच्छ सुरक्षित एवं सुंदर बनाए जाने के दृष्टिगत 2 वर्षों 2024-25 व 2025-26 में चरणबद्ध रूप से विभिन्न नगरीय निकायों में बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड